अस्सलाम वालेकुम एंड रमज़ान मुबारक। जियो तड़का के एक और नए एपिसोड के साथ मैं हूं कहकशां बुखारी और मेरे साथ हैं हमारी प्यारी शेफ़ शगुफा। और आज हमारे किचन में एक मर्तबा फिर चिकन आई है। यस, ऐसा ही है। एग्जैक्ट। और हम क्या बनाने वाले हैं शेफ़? आज हम बना रहे हैं थाई ग्रीन करी टुडे। नॉर्मल जो करी है हमारी और ये जो आज हम डिफरेंट करी बना रहे हैं, तो दोनों का फ़र्क क्या है? देखिए, हम जो देसी करी बनाते हैं ना कहकशां, दैट इज़ टोटली डिफरेंट। जो आपने पकौड़ा करी वगैरह जो है वो सुना होगा, जिसको लोग कड़ी भी कहते हैं। एक्चुअली जो करी है वो इंग्लिश का वर्ड है और वो उर्दू, क्योंकि इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी लैंग्वेजेस, उसमें फारसी, संस्कृत, उसमें इंग्लिश, आपको ये सारे वर्ड्स जो हैं वो मिलते हैं। तो इसीलिए वो जो करी है वो कड़ी बन गया है। लेकिन उसके इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल टोटली डिफरेंट होते हैं। उसमें हम बेसन यूज़ करते हैं, दही यूज़ करते हैं, ग्रीन चिलीज होती हैं, हमारी पिसी हुई लाल मिर्च और हल्दी होती है। दिस करी इज़ टोटली डिफरेंट, क्योंकि ये हम थाई वे बना रहे हैं। ओके, ठीक है। अब थाई वे क्या होता है? थाई वे इज़ माई वे, आई लाइक इट, सो दैट्स व्हाई आई इवन हमारे डायरेक्टर साहब भी जो हैं वो थाई फूड के बड़े फैन हो चुके हैं। तो नहीं, वो अब हो गए और मजीद होंगे, पहले से अब ज़्यादा हो गए। थैंक यू सो मच फॉर अनदर कॉम्प्लीमेंट। या ऑफ कोर्स। पैन हमारा जो है वो बिल्कुल गर्म कर रही हैं। ये मैंने इसको अच्छे से बिल्कुल तेल मैंने गर्म किया। अब मैं क्या करूँगी कि मेरे पास है 500 ग्राम जो है वो जूलियन, इस तरह की लंबी लंबी जो है वो देखे मैंने चिकन काट ली है बिल्कुल। और इससे पहले मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी आपके सामने, ये रहा मेरा काफीर लाइम। अच्छा, जो अपने मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो है वो काफीर लाइम है और ये बड़ा मज़ेदार सा इंटेंस फ्लेवर आपकी जो है वो इस करी को देगा। ये मैं कुछ पत्ते भी डाल रही हूँ इसके, एक मैं गार्निश के लिए रख लेती हूँ। ठीक है। और ये मैंने इसमें डाल दिया, देखें ये कैसे खट खट फट फट बोल रहा है। मैं पीछे हो चुकी हूँ क्योंकि आपको बड़ी एहतियात करनी होती है। मैंने इसको चेहरे के ऊपर ऑयल लगाया है और थोड़ा सा मेरे पास देखेंगे सेसमी सीड है, ये भी मैं इसमें डाल दी। तिल जनाब इसके अंदर ऐड हो चुके हैं और अब हमारा गार्लिक चॉप। ठीक है, ठीक ये है। मैंने डालने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी अपना चिकन। चिकन डाल दूंगा ज़रा पहले। मैंने पहले ही कहा था कि आज हमारे जो किचन का एनवायरनमेंट है वो बड़ा अच्छा है, क्योंकि जब जब चिकन जो है वो किचन में आती है तो बस रौनकें आ जाती हैं, हर तरफ कुछ मजेदार बन रहा होता, जल्दी बन जाता है, झटपट भी हो जाता है। अब ये देखिए मेरे पास मौजूद है गलंगल। अब आप बोलेंगे कि ये गलंगल क्या है शगुफा, तो मैंने आपसे कहा था ना कि दिस इज थाई करी। इट साउंड्स रियली गुड वैसे। या गलंगल, दिस ऑल दीस आर ऑल। अच्छा, इसको उर्दू में क्या कहते हैं हम? गलंगल है ये। अच्छा, ये कहीं में मिल जाएगा आपको? जी जी, ये बेसिकली थाई जिंजर है। ओके, आप इसको थाई जिंजर करके भी कह सकते हैं, लाउस भी कहते हैं इसको, थाई लाउस। ठीक है, और अब मैं इसमें डाल दूंगी अपनी ये चिकन जूलियन कट हमारी जी। हमारी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बर्न ना हो। ठीक है जी, अभी एक और थाई इंग्रेडिएंट मैं इसमें डालने वाली हूँ और हमारे ऑडियंस जो हैं वो आज जो है वो थाई कुजीन से अच्छे खासे फेमिलराइज भी हो जाएंगे और उनको समझ में भी आ जाएगा कि ये रेस्टोरेंट जाके इतने महंगे महंगे जो खाने खाते हैं। थाई फूड इज वेरी एक्सपेंसिव एक्जेक्टली। अगर आप पैन थाई जो आप कहते हैं कि पैन एशियन कुजीन जो इतना इन है दीज डेज और लोग उसको इतने मजे मजे से खाते हैं, तो अगर आप जियो तड़का का शो देख रहे हैं तो आपको वो सारी चीज़ें घर बैठे मिल, घर बैठे आप बना सकते हैं। और बल्कि मैं एक चीज़ यहाँ पर ऐड करूँगी कि ये सिर्फ ऐसी रेसिपीज़ नहीं है जो यू नो हाउसवाइफ्स ही बनाएं। मतलब आप जो आजकल के यंगस्टर्स हैं उनको भी बड़ा फ्लेवर एक चाहिए होता है डिफरेंट, तो यू कैन ट्राई दिस। यू कैन ट्राई दिस। आप देखें काफीर लाइम जो है, जो मैंने आपको बताया था कि इट्स अ टाइप ऑफ लेमन, और ये जो है वो आपके खाने को बड़ा इंटेंस जो है वो फ्लेवर फ्लेवर देता है। अभी हमने क्या डाला है? कुटी हुई काली मिर्च। कुटी हुई काली मिर्च ये डाल दी है मैंने। ठीक है ना, अब मैं इसको थोड़ा सा स्टर फ्राई कर रही हूँ चिकन को, ताकि चिकन सियर हो जाए। जो मैं हमेशा यूज करती हूँ एक वर्ड, ट्रैप द जूसेस। ट्रैप द जूसेस बिल्कुल। तो गरम तेल में आपने अपनी चिकन को पहले अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब जनाब मेरे पास मौजूद है थाई ग्रीन करी पेस्ट। ओके, जो कि हमारी आज डिश का नाम भी है और ये आपको इजीली अवेलेबल भी बिल्कुल। ये डिफरेंट तीन जो है पेस्ट होते हैं बेसिकली, थाई येलो करी पेस्ट, रेड करी पेस्ट एंड दिस ग्रीन करी पेस्ट। तो ये मैं डाल रही हूँ, ये आपको बहुत कम रेस्टोरेंट में मिलता है, ज़्यादातर रेस्टोरेंट में रेड करी पेस्ट वाला आपको मिलेगा। अच्छा, थोड़ा सा फॉर द सेक ऑफ लाइक यू नो टेस्ट एनहांसर, पिंच मैं सॉल्ट इसमें डाल रही हूँ जी बिल्कुल। ठीक है जी, और उसके बाद
स्टर करके मेरे पास मौजूद है इस वक्त कोकोनट मिल्क। ओके, बस ये कोकोनट मिल्क इसमें जाएगा। हम इसको हल्की आंच पे रख देंगे एंड इट विल बी डन। कोकोनट मिल्क आप इसमें जी, थोड़ा ऑडियंस भी हमारी देख सके कि ऐड हो चुका है कोकोनट मिल्क, और इसका टेस्ट जो है वो ओवरऑल पूरी आपके डिश का टेस्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल, कितना मैं सही बताने लगी हूँ शेफ। लाइन मुझे दे दीजिए, मैं काउंटर हमारा क्लीन भी कर दिया। अच्छा, आपने एक चीज़ नोट की होगी कि मैंने कोकोनट मिल्क डाला तो मैंने इसको फ्लेम पे से हटा दिया था। ये कोकोनट मिल्क या कोकोनट क्रीम जब डालें तो अगर आप चाहती हैं कि वो फटे ना और वो अच्छा सा जो है वो टेक्सचर आपको दिखे, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे ऑडियंस भी देख रहे हैं। तो आप उसको फ्लेम से हटा कर डालें और फिर दोबारा फ्लेम जैसे मैं अभी ऑन कर रही हूँ, तो ये वजह थी उसको यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करने की ताकि वो उसका टेस्ट खराब ना हो, कलर खराब और उसका टेक्सचर खराब ना हो। टेस्ट तो नहीं खराब होता लेकिन हाँ टेक्सचर खराब हो जाता है। आपने अक्सर नोट किया होगा खवातीन जो है जब क्रीम बीट करती हैं तो वो कहती हैं हमारी क्रीम फटी जाती है। जो है वो महसूस हो रही है। तो जब भी इसे किसी गर्म चीज़ में डालें तो हल्का सा पहले रूम टेम्परेचर पे उस चीज़ को ज़रूर लेकर आएं। मैं इसकी आंच थोड़ी और कम करूं ताकि ये हल्की आंच पे फ्लेम पर आपको सिमर करता हुआ, ये देखें जी बिल्कुल लो कर रही हूँ मैं, ऑलमोस्ट इट्स गेटिंग क्लोज। और फिर मैं आप इस पैन को वापस इस पर रख दूँगी एंड वी विल कवर इट। ओके, और अब जो है वो हम अपने राइस की तरफ जाएंगे। आप लोग कह रहे हैं कि इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो पड़ी हुई हैं, मैं कह रही हूँ कि इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हैं तो मेरा ख्याल है अब राइस की तरफ बढ़ते हैं जी, बिल्कुल। और आपको बताते हैं कौन से राइस हम खाने वाले हैं। हम सिंपल जो हैं वो सेसमी सीड डालेंगे, सेसमी सीड ऑयल डालेंगे, उसमें थोड़ा सा हम डालेंगे गार्लिक और जिंजर, और उसके बाद हम अपने राइस को जो है वो टॉस कर देंगे सॉल्ट और ब्लैक पेपर में। अगर आप चाहते हैं तो आप उसमें ये वेजीज भी डाल सकते हैं। वेजीज मैंने अभी रोकी हुई हैं, मैं इसमें अभी कैप्सिकम डालूंगी, इसमें मैं थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन डालूंगी। वो जब आप बनाएंगे तो मेरा ख्याल है उसी वक्त हम इसको बताते हैं। नो, इन दिस डिश। अच्छा, इसमें ही जाने वाला है, हम जो है वो डालेंगे। अगर आपको राइस में भी डालने तो आप राइस में भी डाल सकते हैं, बट आई एम नॉट एडिंग इट, आई विल जस्ट कीप माई राइस विद सेसमी सीड्स एंड लाइक यू नो गार्लिक एंड जिंजर, सिर्फ इन दो टेस्ट के साथ, क्योंकि बाकी हमारे साथ वेजीज जो है वो इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद होंगे। ये थोड़ा सा कुक हो जाए देन आई विल पुट द वेजीज इन फ्रेश, उसको टॉस करूंगी एंड इट विल बी रेडी। जी शेफ, तो अब हमारी चिकन रेडी हो चुकी है। बिल्कुल, ओके, ऑलमोस्ट रेडी। और अब इस स्टेज पे जब ये आपको नज़र आ रहा है कि हाँ जी आपका अच्छा सा जो वो कोकोनट मिल्क हमने डाला है वो रच बस गया है और फ्लेवर्स हैव मेट ईच अदर, इन्फ्यूज एंड डिफ्यूज जो है वो हो चुके हैं। जैसा कि हम हमेशा अपने शॉप में आप लोगों को हम ये वर्ड यूज करते हैं, ये मैंने थोड़ी सी इसमें कैप्सिकम डाल दी, शिमला मिर्च, एग्जैक्टली, ये थोड़ी सी देखें गाजर, गाजर ये आप डाल दें। इट्स जस्ट गोइंग टू नॉट जस्ट गोइंग टू इंक्रीज योर करी, आपको इकोनॉमिकल भी हो जाएगा बल्कि ये आपको टेस्ट भी बहुत अच्छा देगा। और ये रॉ अनियन है स्लाइस फॉर्म में, ये भी यकीन करें आप इस तरह डालें तो ये कोकोनट क्रीम के साथ ये और करी इस बहुत मजेदार ये जो है वो हो जाती है। ये मैं पहली दफा देख रही हूँ कि प्याज जो है वो आपने उसी फॉर्म में ऐड किया है जिस फॉर्म में वो है, तो इसका टेक्सचर और इसका फ्लेवर डिफरेंट नहीं होगा? बहुत मजे का आता है। अच्छा, बहुत मजे का आता है। और हमने जैसे बीफ एंड ऑयस्टर सॉस किया था उसमें ही मैंने आपसे कहा था कि आप जो है वो इसमें इसी तरह ही रॉ प्याज ऊपर से आप स्लाइस फॉर्म में आप डाल सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गया। और एंड में जो हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे वो है हमारे पास थाई ग्रीन एंड रेड चिलीज, तो ये हम डालेंगे। और जल्दी जल्दी क्या करना, इसको हमने अपने बोल में निकालना है। बोल आपको दूं? जी बिल्कुल। और उसके बाद जो है वो मैं इसी पैन में राइस बना लूंगी। ठीक, वो भी हम फास्ट बना लेते हैं। इसको यहाँ रखते हैं, इसको चूल्हे पर से उतारते हैं और अपना एक निकालते हैं स्कूप वाला स्पून, ताकि ये हमारा जो बोल है वो कॉर्नर से गंदा ना हो और हम इसको ईजिली, अगर आप सही स्पून का इस्तेमाल करें तो आप प्रेजेंटेशन के मसाइल से भी बच जाएंगे, बच सकते हैं। इसको आप डालें, इसको शेफ मैं पकड़ लेती हूँ, आप कर लेंगे? मैं कर लेती हूँ, हो जाएगा इंशाल्लाह। इसको यहाँ बल्कि यहाँ रखते हैं और इसको क्लीन करते हैं। और एक जो है अगर मुझे, यस दिस वॉज द थिंग आई वॉज लुकिंग फॉर, जी ये हम किनारे से इसको करेंगे साफ, इसको कर दिया है आपने साफ। और जनाब ये आ गई हमारी मिर्चें जो हम, वाह भाई वाह, ऊपर से इसको इस तरह लगा देंगे और साथ हम एक करी पूरी, आपने जो है ना इसको थाई वाइब्स दे दी हैं जी बिल्कुल। और ये अब मज़ेदार सी हमारी
ये तैयार हो गया है, ग्रीन करी तैयार, और हम अपने इस बोल में अपनी रेस जो लेफ्ट ओवर है इसको उतार लेते हैं ताकि हम इसी में ही राइस बना लें जल्दी जल्दी से। ठीक है, क्या कहते हैं इसको आप इसमें रख दें, मैं स्पैचुला से इसको उतार लेती हूँ। ये हमारा जो है वो कोकोनट मिल्क का बोल है, तो ये क्या कहते हैं आप जो है वो अलग से अफ्तार में ट्राई कर लीजिएगा। अच्छी है मेरी शेफ, इन्होंने मेरे चेहरे की रौनक को बहाल कर दिया है और मैं रोजी की हालत में थोड़ी सी डल हो गई थी, लेकिन हम आपको इंशाल्लाह बड़े जागे में भी नजर आएंगे, कोई बात नहीं। ये काउंटर भी मैं साथ साथ क्लीन कर दी क्लीन, और ये मैं जल्दी जल्दी से अपने ऑडियंस के लिए बता रही हूँ कि थोड़ा सा मैंने नॉर्मल तेल डाला, और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेसमी सीड ऑयल को हम ज़्यादा जो है वो पकाते नहीं हैं और बर्न नहीं करते, वरना वो अपना फ्लेवर जो है वो लूज कर जाता है। ये मैंने डाल दिया, इसी में साथ साथ जल्दी 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 हम गार्लिक डाल देते हैं। ठीक है, तो आपने इसमें गार्लिक ऐड कर लिया है और इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, नहीं साथ ही साथ देखिए मैंने जिंजर भी डाल दिया है, गार्लिक जी, ये बड़ा मज़े का आपको लगेगा खाने में। ठीक है, ये भी कहते शायद क्लीन कर देती हूँ। ठीक है, और इसी में हम फौरन डाल देंगे अपने राइस जो हमने बॉईल करके रखे हुए हैं पहले से, बिल्कुल। और हमेशा चाइनीज में मैंने आपको पहले ही बताया था कि अपने राइस को बगैर किसी सीजन के आपने बॉईल करना है, उसमें आपने कोई नमक वमक कुछ भी नहीं डालना, ये डायरेक्ट पैन में जाकर जो है वो सीजन होंगे। ठीक है जी, बल्कि आपने एक दफा और भी बताया था कि अगर आप एक दिन पहले भी चावल को बॉईल करके रख लें, यही बात मैं कह रही हूं, वो ज्यादा जो है वो आपके मजेदार और आपको अच्छे लगेंगे खाने में और खिले हुए होंगे, मशी नहीं होंगे, सबसे बड़ी बात ये। ठीक है, अब हम इसको सीजन करेंगे। आप इसमें थोड़ी सी जो है वो ये कुटी हुई काली मिर्च डाल दीजिए। आज आई एम मिसिंग दैट अपनी वो लाल वाली बिल्कुल, ये आपने टॉस किया और ये बड़ा मजे का आपको चावल जो है वो खुद खिल खिल के कह रहे हैं कि हम मैं बहुत मजेदार हूँ और मैं तैयार हूँ मैं आपकी प्लेट को सर्व करने के लिए। अच्छा, अब ये क्योंकि बड़े सादे से लग रहे हैं, आप देख रहे हैं कि बड़े सफेद सफेद से जी, तो हम इसमें क्या डालेंगे, थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन, दैट्स इट। आई एम नॉट गोइंग टू ऐड एनी ऑफ द वेजीज बिकॉज आवर थाई करी इज गोइंग टू कॉम्प्लीमेंट द राइस। हर चीज़ का एक कॉम्बो होना चाहिए, हर चीज़ का एक कॉम्पोजिशन होना चाहिए, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और कोई चीज़ बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। तो जनाब ये आपके टॉस हो गए हैं, बात ये होती है कि वो बिल्कुल बैलेंस, बिल्कुल राइट, अच्छी तरीके से आपने टॉस कर लिए। और अब हम इस पे स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन, देखिए आप कैसी आपके चावलों में आ गई है जान, रौनक आ गई है। जैसे मैं खानों को देख के मुस्कुरा जाती हूँ ना, उसी तरह आज ये चावल जो है ये मुस्कुरा उठे हैं स्प्रिंग अनियन जैसे। हाँ, और ये हमारी जनाब आज की रेसिपी हो गई है डन, जिसमें हमने बनाया जी बिल्कुल थाई ग्रीन करी, और उसके साथ हमने मज़ेदार से सेसमी सीड राइस जो हैं वो आपको थाई स्टाइल में सर्व करना सिखा दिए हैं। इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही है कि बस अब ये खुद कह रही है ये डिश कि आप मुझे आप खा लीजिए, खा लें, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं शेफ। हाँ, सबर का फल जो है वो मीठा होता है, मीठा होता है। और आज तो कुछ ज्यादा ही आज नमकीन है, फल जो है वो थाई है। तो जनाब ये देखें आपके चावल भी हो रहे हैं डिश आउट, और हमारी आज की रेसिपी हो गई है शानदार तरीके से इख्तिताम पज़ीर। हमने अपना मिशन जो है वो पूरा कर लिया है। और इसमें भी मैं जो हूँ वो चाहूंगी कि हम हल्का सा एक जो है वो चिली का एक तड़का लगा दें। वाह, क्योंकि जियो तड़का मुकम्मल नहीं हो सकता तड़के के बगैर। exactly. मेरा ख्याल है अब आप ये उठाइए और हमारी ऑडियंस को एक क्लोज लुक दिखा दीजिए, और उसके बाद हम अपनी टेबल सेट करते हैं। कैसा लग रहा है आप लोगों को ये आप अपने कमेंट्स में बताइएगा। हाँ बिल्कुल बताएं, और इसी के साथ हम दोनों को इजाज़त दीजिए। और आज की जो रेसिपी थी वो बहुत डिफरेंट थी हमारी बाकी रेसिपीज़ की तरह, लेकिन अभी एक काम आपने ये करना है कि आज मैं जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं, तो आप भी वीडियो बनाइए, और जिसकी वीडियो ज़्यादा क्रिएटिव होगी और ज़्यादा जिसकी रेसिपी अच्छी होगी तो उसको फिर हम क्या करेंगे शेफ़, हम उसे हम
कॉम्प्लीमेंट देंगे, कॉम्प्लीमेंट, और आपकी पिक्चर भी हम जो है वो शेयर करेंगे जियो तड़का में जरूर। Exactly. तो फीडबैक अपना देते रहिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।